आगे बात करते हैं भोपाल की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा है। शाम 7:15 बजे भोपाल पहुंचेंगे अमित शाह। भोपाल में संगठन की बड़ी बैठक में शाह हिस्सा लेने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन भी किया जाएगा और साथ ही प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, चुनाव सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, नरेंद्र तोमर, सिंधिया भी बैठक में शिरकत करेंगे। यानी कई मायनों में बैठक बेहद खास बताई जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। अचानक से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा यहां पर देखा जा रहा है, क्योंकि आज शाम करीब 7:15 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे और बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज भोपाल दौरा है। बता दें, आज एमपी के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक करने वाले हैं। एमपी चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी बैठक में मौजूद रहेंगे और एमपी के नेताओं से चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। चुनावी रोडमैप पर, डेली मॉनिटरिंग सिस्टम पर भी मंथन किया जाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इस बैठक में खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शिरकत करने वाले हैं। बैठक में कौन कौन शामिल होगा ये आपको लगातार हम बता रहे हैं। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में शिरकत करेंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जानी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं और साथ ही केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचने वाले हैं। बढ़ते आगे, भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। बीजेपी दफ्तर और 3 किलोमीटर के दायरे में नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। 3 किलोमीटर के क्षेत्र में ड्रोन, हॉट बलून उड़ाने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। पुलिस उपायुक्त कार्यालय की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जानी है। कमर्शियल फ्लाइट को प्रतिबंधक आदेशों से छूट रहेगी। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है, लेकिन कमर्शियल फ्लाइट को छूट दी गई है। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के दौरे पर हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी तैयारियां कर ली गई हैं। बीजेपी दफ्तर और 3 किलोमीटर के दायरे में नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है और 3 किलोमीटर में ड्रोन, हॉट बलून पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।